आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र गढ़ी भदौरिया में जूता व्यापारी ने लॉकडाउन के चलते परेशान होकर भुखमरी के कारण अपनी जीवन लीला को कुछ दिन पूर्व समाप्त कर लिया था। पीड़ित परिवार द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पर आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई गई। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र गढ़ी भदौरिया के रहने वाले रघुवीर सिंह नामक जूता मजदूर ने लॉकडाउन के चलते हुए पैसे की तंगी से परेशान होकर भुखमरी के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। रघुवीर द्वारा सुसाइड करने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार के साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रमजान अब्बासी परिवार की पूर्ण मदद कर रहे हैं। परिवार को आर्थिक मदद दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। गढ़ी भदौरिया में ये लोग निवास करते हैं, दलित समाज से हैं। लॉकडाउन की पीड़ित से ये लोग काम धंधे सारे बंद हुए पड़े थे। इनके पास में 25,000 रुपये थे, वो 25,000 रुपये इनसे खर्च हो गए। आगे कोई काम धंधा दिख नहीं रहा था। ऐसे में ये लोग कई दिन तो भूखे रहे और इनके जो घर का मुखिया था उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको 50 लाख रुपये की मुआवजा दिया जाए और 100 गज का इनको प्लॉट दिया जाए जिससे इनका पोषण पाषण हो सके। परिवार में आर्थिक तंगी के चलते जूता व्यापारी की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आगे परिवार का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है, जिसके चलते सरकार से मुआवजे की मांग की अपील की जा रही है। मेरे पापा जी ने सुसाइड कर लिया लॉकडाउन के चलते हुए। उनके पास वही 25,000 रुपए की जमा पूंजी थी, वो खर्च हो गए थे। एक दिन मेरे से बोल रहे थे बेटा सारे पैसे खत्म, तो फिर रोज़ सुबह निकलते थे कहीं काम की जुगाड़ पे, कहीं नहीं मिलता था। 4-5 दिन से ऐसे ही खाना वाना भी नहीं था। हम लोग ऊपर सो रहे थे, मेरी रात को 3 बजे कुलिक नीचे कमरे में आया पापा को दूरते हुए, तो देखा पंखे पे पापा थे। अभी किसी ने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रमजान अब्बासी का कहना है कि आम आदमी पार्टी परिवार के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी हुई है। जूता व्यापारी का परिवार कोरोना महामारी के कारण फैली भुखमरी की बदौलत तबाह हुआ है। इस जूता मजदूर को भी कोरोना योद्धा की तरह सम्मानित कर परिवार को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।